जो हम जो पटर पटर रहते हैं उनके ऊपर ध्यान मत दो, इतनी अहमियत मत देना किसी को, उनकी औकात नहीं उतनी अहमियत की, ओके, औकात नहीं उतनी अहमियत की, ओके। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल, मैं हूं दुआ हयात। हेलो गाइस, मैं हूं खुशी। तो आज हम रिएक्शन करने वाले हैं अल्टीमेट नाना पाटेकर ठग लाइफ। नाना पाटेकर की एक्टिंग तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूं, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आज का रिएक्शन करने में। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। What's going on guys? This is Mahesh Keshwala, aka Thagesh। तो भाई इस बार तो मेरे को खुद नाना पाटेकर का फोन आया। अच्छा, अरे थगेश, मेरे पे वीडियो कब बनाएगा? तो बोला अरे नाना भाई बना दो ना। नाना भाई वो क्या पब्लिक में थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ना चाहिए। अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या, मैंने देखा तेरे वीडियो में कमेंट्स है नाना पे वीडियो बनाओ, नाना पे वीडियो बनाओ। मैं बोला अरे नाना भाई थोड़ा वीडियो का वो नहीं मिल रहा था, वीडियो का थोड़ा अता पता नहीं था। ये क्या बोला तनुश्री दत्ता? अरे नहीं नाना भाई वो तो भाई नाना पाटेकर मूवीज में जितने थग है उतने ही सिंपल रियल लाइफ में। भाई उनकी थग लाइफ क्लिप्स ढूंढते ढूंढते तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि भाई उनकी थग लाइफ क्लिप्स इतनी कम है कि भाई पूरा इंटरनेट मेरे को खोद के निकालना पड़ा। तो अभी जब स्टार कास्ट मूवी प्रमोशंस में जाती है तो भाई एक दूसरे की तारीफ करना तो बहुत आम बात है, लेकिन अपने नाना पाटेकर आम थोड़ी है, नाना पाटेकर थोड़ा अलग है। हेलो 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 हेलो, कहाँ चालू है? तो भाई आपको माइक की जरूरत नहीं, आपकी आवाज में इतना पावर है। नहीं वो तो है, लेकिन क्या है जरा किसी के लिए झगड़ा है पूरी फिल्म में, खैर देखोगे तो पता चलेगा बहुत देखा है। मतलब होता है ऐसे स्टेज पे आने के बाद एक दूसरे के बारे में अच्छा बोलना पड़ता है, मन में तो बुरा रहता है कि नहीं बोलना है। हेलो, आप सभी से एक सवाल है कि इस काले के पीछे का राज क्या है? कपड़े आपने काले पहने हैं, ये हमारे ज़हन का रिफ्लेक्शन है, दिल के भी हम काले हैं और कपड़े भी काले। तो देखो भाई तुम लोग को तो पता है नाना पाटेकर मूवीज में बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, लेकिन तुम लोग को ये नहीं पता होगा कि नाना पाटेकर रियल लाइफ में भाई बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। इसलिए नाना पाटेकर का मूवी सेट्स पे बहुत लफड़े होते हैं और नाना पाटेकर का हर को-स्टार के साथ कुछ ना कुछ लफड़ा होते हैं। तो भाई नाना पाटेकर ऐसे इंटरव्यू में जल्दी गर्म हो जाते हैं। अभी जो सवाल दूसरों को तुम पूछते हो वही सवाल तुम अगर नाना पाटेकर को पूछोगे फिर तो भाई नहीं, आई थिंक वैसे ही बहुत ही कंफर्टेबल। एक इंटरमिशन का सीन था जहाँ पे इट वाज वेरी हॉट, कमालिस्तान में शूट कर रहे थे, मतलब हॉट इन द सेंस गर्मी बहुत, हाँ गर्मी बहुत थी। होता है ना एक फिल्म के दरमियान बहुत सी बातें, ए भाई डोंट डू दिस, डोंट डू दिस अगेन, अब जाओ बाहर जाओ, अब बाहर जाओ, अब बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, पूछ रहा है तो उनको पहले दिल से सवाल पूछने दो। गलत सवाल करोगे तो एक्शन, सही सवाल करोगे तो कॉमेडी। लेकिन भाई अपने नाना वो चीज से अग्री नहीं करते, नाना भाई ने कुछ ऐसा बोला, मुझे लगता है फिल्म इज बिगेस्ट सुपरस्टार। अब रही बात स्टार की तो पहले दो दिन तीन दिन चलेगी, अगर फिल्म में वो ताकत नहीं है तो फिल्म वो बाद में फिल्म नहीं चले, और जब तक अच्छी कहानी नहीं अच्छी फिल्म बनेगी नहीं यार, पेपर पे कहानी फिल्म बनती है, जब तक वो नहीं है तो कितने भी बड़े स्टार्स लाओ वो ज़्यादा सस्टेन नहीं होगा। पहले एक दो दिन, एक दिन के लिए दो दिन के लिए तुम ऑडियंस को स्टार के जरिए थिएटर में ला सकते हो, बाद में नहीं। क्या बात है। अब
एक इंटरव्यू में नाना पाटेकर से सवाल पूछा कि मल्लिका शेरावत से रोमांस करने में ज्यादा मजा आया कि एक न्यू कमर के साथ। आपके साथ मल्लिका शेरावत थी, उनके साथ रोमांस करना ज्यादा एक्साइटिंग था कि न्यू कमर के साथ ज्यादा एक्साइटिंग था? अरे यार दोनों में करने नहीं मिला, क्या बात कर रहा है। लेकिन हमारे दुख हमें मालूम है। मजू भाई अभी आपसे सवाल मेरा, अगर लड़की चाहिए बोले तो हमारी भाभी इस टाइप की होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसमें? भाभी इसको चाहिए और चॉइस हमको पूछ रहे हैं यार। तो भाई अनिल कपूर के साथ जब कोई इंटरव्यू में हो तो 90% सवाल तो यही होते हैं कि भाई अनिल भाई आप इतने यंग क्यों दिख रहे हो, मतलब अनिल कपूर से ज्यादा मैं कंटाल गया सवाल। तो अभी साथ में नाना पाटेकर आए हो और आप सब सवाल अनिल कपूर को ही पूछोगे तो भाई नाना भाई तो सन किंग है ना, कोई सवाल ही नहीं कर रहा है। ये क्या तरीका है, इतने लोग बैठे हैं कोई सवाल कुछ झगड़ा हुआ है इधर, कैसे हम प्रेजेंट करेंगे इतना बड़ा स्क्रिप्ट, हमको थमा दे रहे हैं। हमने कहा यार रिहर्सल नहीं कुछ नहीं, ऐसे कैसे करेंगे? तो मैं बेचारा वो कॉम्प्लीमेंट था, मैंने कहा गलत सवाल किया मैं मारूंगा चट देनी मार देनी खींच के तमाचा ही 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 दोस दिले की ठगला है सबसे अलग ही है ना। तो भाई अगर आप नाना पाटेकर को पूछोगे कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो तो भाई नाना पाटेकर का जो आंसर मिलेगा राजनीति में मेरे खून में है नहीं, मुझे मेरे जहन में जो आता है मैं बोल देता हूँ, राजनीति में वो चलता नहीं। तुम्हारे मन में कुछ होता है और तुमको अलग कुछ बोलना पड़ता है, वो तो मुझसे होगा नहीं। हाँ यार बिल्कुल सही बात है, मैं किसी का सपोर्ट नहीं करता, मेरी एक ही पार्टी है। मैं किसी पार्टी को मैं ये नहीं देता, मैं वो क्या है आज मैं सोचता हूँ कि तुम्हें दे दूँ मैं वोट और दो दिन में आप साबित कर देते हैं कि नहीं मुझे मत दो। तो भाई अभी वो क्लिप जिसके लिए तुम लोग ने ये वीडियो क्लिप किया है, तो भाई जब पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बैन किया था तभी सलमान खान ने एक इंटरव्यू में बोला था कि आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट होते अभी उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो उसी बारे में इंटरव्यूअर ने नाना पाटेकर से सवाल पूछा कि इस बारे में आपका क्या ख्याल है और जो कि सलमान ने स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो नाना पाटेकर अगेन बीइंग बोल्ड एंड ऑनेस्ट, खतरनाक रिप्लाई। पाकिस्तानी कलाकार फ्रांस में जब अटैक होता है तो वो उसकी निंदा करते हैं, उसके खंडन करते हैं, लेकिन देखो तुम्हें कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ, क्या चाहिए बताओ। कुछ कलाकारों के बॉम्बे में कई कोर्ट आए थे कि जो पाकिस्तान के कलाकार हैं उन्हें वापस जाना चाहिए, कुछ पर्टिकुलर वो कलाकार है, ये दो अलग अलग सब्जेक्ट है, वो टेररिस्ट है, ये कलाकार है, आप क्या मानती हैं? सा लब चाहिए मेरे मुंह में वो बताओ, मैं बोलने को तैयार हूँ। वही सवाल तुम, पाकिस्तानी कलाकार जो है उनको सलमान ने कहा वीज़ा दिया है गवर्नमेंट ने, हमारे जो असल हीरो जो है वो हमारे जवान हैं, हम तो बहुत पर्चुटन मामूली और नकली लोग हैं, तो हम जो कुछ बोलते हैं उसके ऊपर ध्यान मत दो। तुम्हें समझ में आया मैं किन के बारे में बोल रहा हूँ? तो उन्हीं के बारे में बोल रहा हूँ जो हम जो पटर पटर करते हैं उनके ऊपर ध्यान मत दो, इतनी अहमियत मत देना किसी को, उनकी औकात नहीं उतनी अहमियत की। ओके औकात नहीं उतनी अहमियत की। ओके तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पे कुछ एलिगेशन लगाए थे, तो अगर किसी स्टार पे ऐसे एलिगेशन लगाए तो वो स्टार मीडिया से हमेशा दूर रहता है एंड ट्राई करता है कि किसी मीडिया के सवाल का जवाब ना देना पड़े, लेकिन जैसा कि मैंने बोला अपने नाना भाई अलग है। ये
दरवाजा छोड़ो। 10 साल पहले इसका जवाब दे चुका हूँ। अब जो झूठ है वो झूठ ही है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या बात है यार। सच मेरे सर में, तू झूठ बोले डर में, भरोसा मुझे खुद पे। तो भाई अभी हम सबको पता है कि नाना पाटेकर महाराष्ट्र के फार्मर्स के लिए कितना कुछ करते हैं। तो भाई वुमेन सेफ्टी के कैंपेन में भी नाना पाटेकर पीछे नहीं रहते। तो भाई ऐसे ही एक कैंपेन में नाना पाटेकर गए थे जिधर उन्होंने मारी थी एक धमाकेदार स्पीच। हम बोलते हैं तो गवर्नमेंट का एक उन्होंने बैन किया था, टोकन बैन था वो, उस पर आपका क्या कमेंट है? नहीं, मुंह बंद करके तो बातें आप बंद नहीं कर सकते। नियम तो अपने को लगाता है। मुझे लगता है कि ये ऐसी कोई बेहुदा बातें घटती है रस्ते पे लड़कियों के बारे में, तो मैं होता पूजा, मैं नाना क्या करेगा, तो मैं जाके उसका सर तोड़ दूंगा जो ऐसी। एंड भाई ये लास्ट वीक के गिव अवे का मैं नेक्स्ट सैटरडे को गिव अवे के रिजल्ट अनाउंस करूंगा, जिसमें मैं 10 लोगों को दूंगा ये थग लाइफ ग्लासेस। तो भाई अगर तुम लोग ने पार्टिसिपेट नहीं किया तो जल्दी से जल्द करो। तुम लोग को सीखना करना है, जाओ मेरे ब्लॉगिंग चैनल पे सब्सक्राइब मारो, उधर वीडियोस को देखो एंड लाइक करो। टू मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो एंड मेरे को डीएम करके बताओ कि तुम लोग ने सब स्टेप्स कंप्लीट कर दिए एंड मैं तुम लोग को ये थग लाइफ ग्लासेस क्यों दूं। एंड भाई बहुत कमेंट आ रहे कि नहीं चाहिए तेरा 10 रुपए वाला चश्मा। लोग देना है तो iPhone XS Max का गिव अवे कर। तेरे बाप की शादी है। भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो एंड अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करो एंड जॉइन थगेश नवनिर्माण सेना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, ये थी नाना पाटेकर की थग लाइफ। तो भाई तुम लोग की और कोई भी रिक्वेस्ट है तो मेरे को नीचे कमेंट में बताओ, मेजॉरिटी कमेंट्स होंगे तो मैं उसमें वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमने जो भी किया है ना सबसे कम ये चले करने वालों को यूं ही चबाते हम। बेटा दांत से ना करता बात, हाथ से अगर करूंगा हाथ से तो जाएंगे हाथ से। हैरान गली परेशान रास्ता। उन्होंने जो जो बात बोली है मैं तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई इनकी थग लाइफ देख के। बिल्कुल सच सच, कोई ऐसा कैसे कर सकता है, इतनी ऑनेस्टी। बहुत ही अच्छी थी इनकी थग लाइफ सारी। इन्होंने जो जो भी बात बोली बिल्कुल सच सच बोली। हाँ, और जो सलमान खान वाला था, 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 था। और नीचे इन्होंने फोटो भी लगाई थी ना, तो बिल्कुल पता चल रहा था। उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन बात तो बिल्कुल सही करते हैं इन्होंने जो भी बात की। और लास्ट में इन्होंने बोला जो झूठ है वो झूठ है। और जन्नी कपूर के साथ भी इनकी ठग लाई थी कि हमसे कोई सवाल नहीं पूछा। सारी इन्होंने मतलब जो सही बात हमारे दिल में होती है हम करते हैं नहीं है सामने, मतलब मीडिया के सामने तो कर ली सारी बातें इन्होंने। कैसे सच सच बोल दी, जो जो उनको गुस्सा आ रहा था वो भी इन्होंने बोल दिया। लेकिन होते हैं ना हम हंसते हैं, लेकिन उन्होंने जो गुस्से में थे फिर वो भी सामने आ गया मीडिया के सामने। तो गाइस हमें तो इनकी ठग लाइफ देख के बहुत ज्यादा मजा आया। आप बताना आपको इनकी ठग लाइफ कैसी लगी और हमारा रिएक्शन कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।